वेलकम टू अडुनावी। तो आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा वर्किंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और हर बार आता है। इसमें सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आपने याद रखना है। वो कंसेप्ट है आपका कि भाई कोई भी चीज पूछे तो उसका वन डेज वर्क निकाल लो। दूसरा, वन डेज वर्क का उल्टा कर दोगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा टोटल दिन, कितने दिनों में काम करा। ठीक है, अगर मान लो 10 दिन में कोई काम करता है उसका उल्टा कर दो तो वन डेज वर्क आ जाएगा। अगर एक दिन में कर रहा है 1/10 वर्क तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा उसका उल्टा W। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साथ साथ में करते रहेंगे। ए डज 30% ऑफ द वर्क इन 30 डेज, समझिए 30% काम कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, तो लिख लीजिए साथ में। ए ने करा कितना, 30% वर्क, मान लो टोटल काम है W, तो उसने क्या करा 30% ऑफ W इन कितने दिनों में, 30 डेज में। ठीक है, तो बचा कितना, रिमेनिंग, साथ में ही लिख दो। देखो भाई क्वेश्चन में 30% बता रहा है तो कुछ ना कुछ यही पूछेगा, आगे दिख भी रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड आ गया ना, जैसे ही आपने लिखा रिमेनिंग आपने क्वेश्चन के साथ साथ में ही रिमेनिंग निकालते चले गए। ठीक है, भाई जब 30% काम कर रहा है तो बचा कितना, 70% बचा, तो 70% ऑफ W, मान लो टोटल काम है W। ठीक है, लोग एक्स वैक्स लेते हैं, मैं W ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिलेवेंट भी लगे। ठीक है, W से वर्क, W से काम। ठीक है, तो 70% बचा, तो 70% बचा ये कर रहा है 30 दिन में, तो भाई एक दिन में क्या करेगा, इज वन डे वर्क। एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 30 दिन में इतना, 30 दिन में कर रहा है इतना, तो एक दिन में क्या करेगा इसको डिवाइड कर दो 30 से, 30 × W/100 / 30, क्या बचेगा W/100। ये काम कर रहा है, ये एक दिन में ये काम कर रहा है। ठीक है, अब कहानी क्या होती है, ये जो बचा हुआ काम है ये कौन कर रहे हैं, ये कर रहा है ए एंड बी दोनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिनों में, इन 20 डेज। ये भाई दोनों कर रहे हैं मिलके 20 दिनों में, तो भाई इससे हम क्या लगा सकते हैं, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना कर रहे होंगे, ए एंड बी, या तो ए प्लस बी कर लो, कुछ भी कर लो, ए प्लस बी आपको समझना है। ये कल आपने ये वर्किंग दिखानी थोड़ी है तो रफ है आप, तो ए प्लस बी इज वन डे वर्क, कितना हुआ एक दिन का काम, 70 W/100 डिवाइडेड बाय पूरा से डिवाइड हो रहा है 20 से, 0 क्या पता क्या, इसको 7/200, 7W/200। ठीक है, ये है इनका एक दिन का काम। अब देखो ए का एक दिन का काम इतना और ए और बी का मिला के इतना, तो भाई बी का कितना होगा, सिंपल बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जो ए प्लस बी का काम है एक दिन का, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट भी देख सकें। ठीक है, तो आपको कोई बीच में कंसेप्ट मिस होता है तो वीडियो दोबारा वापस जाके दोबारा से उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। ए प्लस बी इज वन डे वर्क माइनस, माइनस क्या करेंगे भाई, बी का निकालना है। देखो आपका और मेरा, आप और मैं मान लो मिलके काम करते हैं, ठीक है, और मैं कुछ अकेला काम भी करता हूँ। अगर एक दिन में आप और मैं मिलके मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ कर रहा हूँ, तो जब हम मिलके कर रहे हैं उसमें से अगर मेरा काम घटा दें तो क्या बचेगा, जो आप कर पाते हो एक दिन में, है ना। सिंपली ए प्लस बी इज वन डे वर्क माइनस ए इज वन डे वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया ये भाई आपका, आप कैलकुलेट कर लो। ए प्लस बी क्या है, 7W/200 माइनस W/100। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये तो आपको इसमें कोई ट्रिक व्रिक तो वैसे लगी नहीं, तो मैं आपको एक चीज चेताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी का बहुत मुश्किल, बहुत हाई लेवल, ये भाई कोई MBA या IIM का पेपर तो है नहीं। ठीक है, ये जनरल एप्टीट्यूड देखता है कि भाई आप कम से कम ठीक ठाक कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो, तो कम से कम आपके जो बेसिक्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करिए, वैसे सारे एग्जाम उसी पे बेस्ड होते हैं, इवन IAS वगैरह के भी स्कूल की पढ़ाई से पूछेंगे और कहाँ से पूछेंगे, है ना, वहीं से पूछते भी हैं, लेकिन हम काफ़ी चीज छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं या ढंग से नहीं पढ़ी होती। ठीक है, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से या जितनी मेहनत करी होगी उस टाइम पे उस हिसाब से। तो खैर
वो तो और बातें हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बेसिक स्ट्रांग रखें तो सफिशेंट टाइम है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू सॉल्व करिए, 200 आपका एलसीएम आ गया, 207W माइनस ये क्या आ गया 2W इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल कितना आ गया 7 माइनस 2 हो गया 5, W बाई 200 कैंसिल कर दो, 5 में 5, 5 40, W बाई 40। ये क्या है, बी का एक दिन का काम। अब आपको आप बोलते मैं हर बार बोल रहा था क्या उल्टा कर दो उल्टा कर दो, अब आप बोलोगे इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 40 अपॉन W। तो भाई ये जो W टोटल वर्क था इसे इग्नोर मार दो, फिलहाल इसको इग्नोर मार दो। या तो जैसे कई लोग करते ना टोटल वर्क 1 ले लो, अब 1 यहाँ पे W को अगर 1 ले लो तो एक तरह से वैसे ही हो रहा है, W का इग्नोर कर दो। या तो अगर ये W में ही आ रहा है कंफ्यूजन कुछ लग रहा है, आंसर तो है 40। 40 कैसे आया देखो, एक दिन का काम है W बाय 40, ठीक है, तो ये एक दिन का काम है तो बेटा टोटल टोटल काम मतलब कितने दिनों में करेगा, एक दिन में कर रहा है इतना तो टोटल W काम कितने दिनों में करेगा, ये कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ, ये ऊपर गया ये नीचे आया, क्या होता है इससे निकल के आपका आता है W अपॉन W बाय 40, ठीक है, तो ये 40 ऊपर चल जाएगा, W W कट जाएगा, 40 डेज आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ये 40 डेज आपका आंसर आ जाएगा। भाई 20 घंटे वर्क इज 40, ऊपर देखिए आंसर 40 लिखा है, हाँ एक ऑब्जेक्टिव में 40 है ना आंसर, 40 टिक मारो पास सॉल्व। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हमारी हो, आप लोग कहें कि भाई ये ट्रिक नहीं हुई है, तो मेरा देखिए दोबारा इनमें काफ़ी कॉम्बिनेशन पूछ लेता है, कभी एक डाल देगा फिर दूसरा आया, वो दो दिन काम करेगा फिर चला जाएगा। तो जब ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आपको बहुत सारी मल्टीपल ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी अगर आप किसी और टर्म्स में आते हो। वैसे एफिशिएंसी भी इसी का शॉर्टकट होता है, लेकिन अगर इसको समझ के करोगे तो समझ में आराम से आएगा, और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद ही नहीं करना, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसी को रिपीट करूँगा, भाई जो भी चीज़ निकाल दो उसका 1 डेज वर्क निकाल दो, एक दिन का काम निकाल दो, फिर उसमें से अगर कोई आ रहा है तो जोड़ दो, कोई जा रहा है तो उतने दिन जितने काम करा उतने निकाल दो, फिर ऐड कर दो, फिर घटा दो, फिर अपना चलते रहो, राइट। तो ये क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे आपके। चलिए इसी नोट पे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।